हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों का सिलसिला जारी है, जिसमें रोजाना लोगों की जान जा रही है। आज भी सोलन के सोलागड़ा के पास मानसर में जोखड़ी मोड़ पर आज दोपहर बड़ा हादसा पेश आया है। यहां जोखड़ी मोड़ पर एक प्राइवेट बस पलट गई। बताया जा रहा है कि बस सोलन से चायल जा रही थी। बता दें कि इस सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को कंडाघाट और सोलन अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वाली महिला कहां की रहने वाली है, इसका भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद डीसी केसी चमन ने बताया है कि हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं व एक महिला की मौत हुई है। इस हादसे की जानकारी देते हुए डीसी सोलन ने क्या कहा, सुनिए। लगभग 30 गाड़ियों के साथ सोलन को आ रही थी। अभी जो पता लगा है कि प्राइमरी फिसाई तो लग रहा है कि एक मैकेनिकल फॉल्ट है, टायर रॉड हटी हुई है और एक्सीडेंट हुआ है। एक लेडी की यहाँ पे डेथ हुई है और 12 के करीब इंजर्ड है। वो सोलन हॉस्पिटल को शिफ्ट कर लिए गए हैं और उनके लिए तुरंत जो भी फौरी राहत है उसकी मैं प्रशासन को भेज दिया है। हॉस्पिटल में उनको पहले सूचना दे दी गई थी। मैं सोचता हूँ सारे डॉक्टर सारे बड़े वहाँ पर मौजूद बहुत इलाज है और ये लग रहा है कि जो मैकेनिकल फॉल्ट का इशू है और ये भाई साहब करा के गिर गई। इधर इधर हूँ जी, देखिए जी, उम्मीद है कि बाकी हम जो है कि इंजर ज्यादा ना हो। अभी जाके हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा उनका। हमें लगभग जो सूचना है कि 28 के करीब सवाल। सर, जो महिला थी जिसकी डेथ हुई है कहाँ की थी सर? ये अभी पता लग रहा तहकीकात से। सर, इंजर्ड कितने हैं? इंजर्ड अभी 12 का बाकी शॉक में है। अभी बाकी हॉस्पिटल में एग्जैक्ट डिटेल का पता लगेगा और वहाँ पे डॉक्टरों की टीम तैनात है। हमारे रेवन्यू के SDM ADC और पुलिस के विभाग के वहाँ पे तैनात है और हमारी राहत भी दी जा रही है। कहाँ से कहाँ रही थी सर? बस कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? चाहे चाहिए सोलन के लिए। ठीक सर, थैंक यू जी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।